ये आज हम जो बेसिकली प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें हम लोग कैसे कोई फाइल फोल्डर डिलीट किया जाएगा, किस तरीके से वर्क करते हैं उस पे वर्क करेंगे। जैसे कि हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको उस दिन दिखाया था ls space hyphen l, जिससे हमारे पास कुछ फाइल्स रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ mkdir space फोल्डर नेम, सपोज़ मैंने लिखा न्यू, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू के नाम से फोल्डर किया, ls space hyphen l के नाम से फोल्डर दिखाई दे गया यहाँ पर। अब न्यू नाम से आपको जो फोल्डर दिखाई दे गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। देखिए अगर ये फोल्डर एम्प्टी फोल्डर है, एम्प्टी का मतलब आप सीडी करके न्यू फोल्डर में जाएंगे तो एम्प्टी है, ls चलाएं इसमें कुछ नहीं है। अगर एम्प्टी फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सीडी करके बाहर आए तो आप डिलीट कर सकते हैं rmdir। rmdir का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। अगर फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है, जैसे फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल तो नॉर्मल डिलीट हो जाएगा, आप ls करके चेक करिए तो आपको ब्लू कलर का कोई भी फोल्डर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सेम एज विद दिस कि अगर आपके पास एक और डायरेक्टरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू वन के नाम से एक डायरेक्टरी है और सीडी करके हम उसमें गए और ये डायरेक्टरी फुल है, फुल का मतलब उसमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल बनी है, जैसे मैंने आपको कैट से फाइल बनाना सिखाया था, कैट ग्रेटर देन फाइल वन के नाम से एक फ़ाइल बनी है, हाई एक डेटा लिखा है और मैंने इसको सेव कर दिया। तो आप ls यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ़ाइल वन के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब इस फोल्डर को यानी कि न्यू वन के फोल्डर को इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट इट तो यू कैन नॉट डिलीट विद द हेल्प ऑफ rmdir। क्यों, चेक करते हैं एक बार क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें rmdir, मैंने यहाँ पर कमांड लिखी और उसके बाद मैंने इस फोल्डर को डिलीट करना चाहा न्यू वन के नाम से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक ऑप्शन क्या लिख के आया है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, कि डायरेक्टरी खाली नहीं है, यानी कि rmdir से सिर्फ जो डायरेक्टरी आपकी खाली होगी वही डिलीट होगी। लेकिन अगर आप अगर भरी हुई डायरेक्टरी यानी कि उसके अंदर कोई डेटा ऑलरेडी है तो आप कैसे डिलीट कर पाएंगे, उसके लिए आप लिखेंगे rm स्पेस हाइफन rf। rm मतलब रिमूव, हाइफन मतलब रिमूव फोर्सफुली, किसको न्यू वन को, एंटर कर देंगे रिमूव हो जाएगी। आप ls करके चेक करें लिस्ट के तो आपको कोई डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से rmdir फॉर डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी और rf स्पेस हाइफन rf फोर्सफुली डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने सीखा था कि कैट से हम कैसे फाइल बनाते हैं, जैसे कैट मैंने आपको सिखाया था कैट ग्रेटर देन करके फाइल टू करके ऐसे फाइल अगर हम बना सकते हैं, जैसे हाई बाय ऐसा कुछ लिखा इसका डेटा और मैंने इसको कंट्रोल डी से सेव कर दिया। अब नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे आके आप देखना चाहते हैं कि मेरे इस फाइल के अंदर क्या क्या डेटा है, तो आप कैट स्पेस फाइल का नाम लिखें, चेक कर सकते हैं हाई बाय आपको डेटा दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं नेक्स्ट डे जब आए तो इसमें और डेटा एड करूँ, और डेटा ऐड कर दूँ, मीन्स इसको अपेंड करना, अपेंड करना चाहते हैं इसके अंदर और डेटा फिल करना चाहते हैं तो आप डबल ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, इज बोल्ड अपेंडिंग, फिर फाइल नेम एंटर, आपने लिखा दिस इज माय न्यू डेटा, यानी कि आपने नेक्स्ट डेटा इसमें ऐड किया, कंट्रोल डी से सेव कर दिया। अब आप देखना चाहें देख सकते हैं कैट जो आपने न्यू डेटा ऐड किया क्या वो डेटा ऐड हुआ है। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि दिस इज़ माय न्यू डेटा, ये मैंने नेक्स्ट डे लिखा था और जो पुराना लिखा था हाई बाय लिखा था, तो ये दोनों डेटा ऐड हो गया, यानी कि कैट डबल ग्रेटर देन से आप अपेंडिंग बोलते हैं इसको अपेंड कर सकते हैं और न्यू डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैट का यूज़ कर सकते हैं, रिमूव करने का यूज़ कर सकते हैं, दिस इज द न्यू वे फॉर रिमूविंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि mkdir से डायरेक्टरी बनती है, और फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी। वैसे तो आप सिंपल बना सकते हैं कि आपने डायरेक्टरी बनाई सीडी किया, आपने कोई डायरेक्टरी बनाई mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट करी, फॉर rr नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करी, सीडी किया rr में गए फिर डायरेक्टरी क्रिएट कर ली, यानी कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखें तो अब ls चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए ई नाम से आ गई, सीडी से एक डॉट डॉट पीछे करके गए, ls नाम से कौन सी डायरेक्टरी rr के अंदर ई, तो यानी कि आपके अंदर अगर आप डायरेक्टरी बना रहे हैं तो आपको डायरेक्टरी के अंदर फिर जाना होगा, फिर डायरेक्टरी बनाएंगे, डायरेक्टरी के अंदर फिर जाना होगा, डायरेक्टरी बनाएंगे,
एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, आप एक साथ काफ़ी सारे डायरेक्टरी बना सकते हैं। काफ़ी सारी का मतलब, कहने का मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। आप सिंपल लिखें एम के डी आई आर स्पेस हाइफन पी, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम आपने लिखा है, फॉर वाई वाई के अंदर मैं यू यू बनाना चाहता हूँ, यू यू के अंदर आई आई बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर पी पी बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं जे जे बनाना चाहता हूँ, एंटर कर दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल एस एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं वाई वाई नाम से डायरेक्टरी बनाई जो पहली डायरेक्टरी है, क्या इसके अंदर यू यू नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है, तो सी डी करके हम लोगों ने वाई वाई डायरेक्टरी के अंदर गए एल एस करके देखा, देखिए यू यू नाम से भी बन गई। क्या यू यू के अंदर आई आई है, सी डी करके हम लोग यू यू डायरेक्टरी में गए, क्या वहाँ पर आई आई डायरेक्टरी है, यस देखिए आई आई भी बन गई। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आप सब डायरेक्टरी, विद द हेल्प ऑफ एम के डी आई आर ऑप्शन यूज हाइफन पी, हाइफन पी ऑप्शन से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सी डी एक एक डायरेक्टरी बाहर जा रहा था, सी डी डॉट डॉट एक डायरेक्टरी बाहर है, फिर सी डी डॉट डॉट एक डायरेक्टरी बाहर है। अगर मैं कंप्लीट सी डी लिख दूंगा तो मैं कंप्लीट उसके बिल्कुल बाहर आ जाऊँगा। इस तरीके से आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अब मल्टीपल फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कैट से मैंने आपको बताया कि कैट से आप सिंगल सिंगल एक एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत सारी फाइल एक साथ क्रिएट हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं टच कमांड। टच कमांड के साथ से मैंने लिखा फाइल थ्री, फाइल फोर, फाइल फाइव, फाइल सिक्स, एक साथ मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी फाइलें सारी क्रिएट हो रही एक साथ, वन बाय वन नहीं एक साथ, बट ये एम्प्टी होंगी। कैट में तो हम एम्प्टी नहीं रखते, कैट में तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे डेटा एंटर करते हैं, लेकिन इसमें बाद में एंटर कर सकते हैं। आप एल एस स्पेस हाइफन एल करके देखिएगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर, फाइल फाइव, इस तरीके से मल्टीपल फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। सो टच कमांड से यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम। सो दिस इज़ द स्मॉल प्रैक्टिकल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच।